रविवार को झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने जिले के सभी 102 परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। SDO ने बताया कि सभी 102 परीक्षा केंद्रों में कदाचार मुक्त तथा शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालन करना तथा विधि व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक है। इसीलिए जिले के सभी 102 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में परीक्षा अवधि के दौरान धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह निषेधाज्ञा 19 सितंबर 2021 को परीक्षा अवधि के दौरान लागू रहेगी। निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के अगल बगल अनावश्यक भीड़ लगाना, अनावश्यक रूप से घूमना, लाउडस्पीकर का उपयोग तथा अनाधिकृत रूप से हथियार लेकर चलने तथा कदाचार से संबंधित किसी प्रकार की वस्तु का उपयोग करने इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा के संबंध में सभी के द्वारा JPSC आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाएगा तथा इसका उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध परीक्षा नियमावली के सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा ना। अच्छा, तो 5 सालों के बाद हो रहा है JPSC का एग्जाम, कितना उत्साहित है आप? मेरा फर्स्ट टाइम है तो देख रहे हैं क्वेश्चन कैसा आता है। हम लोग चाहते हैं कि DC साहब जितनी मेहनत से व्यवस्था करवाए हैं वो अच्छी तरह से परीक्षा हो जाए। बच्चों का भविष्य का चिंता उनको भी है और हम लोग उनके सहयोग में सहयोग करने के लिए अच्छी तरह से पूरा दल बल के साथ लोग तैयार है। आपके सेंटर में कितने कैंडिडेट हैं? 360। ये तो अभी जानकारी में नहीं है, अभी तो शुरुआत होगा। मैम, 5 साल के बाद जो है फिर JPSC की परीक्षा, कितना उत्साह देखने को मिला है यहाँ? पहले तो हम लोग को उत्साह है कि आज फिर एक अधिकारी बन के आएंगे और हम उनका वेलकम करेंगे। अगर यहाँ से वो गए और अधिकारी बने तो हम उनका वेलकम करेंगे, क्योंकि 5 साल तक तो मैं रहूँगी तो उसके अनुसार देखेंगे। कोई अधिकारी बनते तो इस कॉलेज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वहाँ सेंटर पड़ा था। और DC साहब हम लोग के इतना मेहनत कर रहे हैं तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अधिकारी बनकर आएंगे ही। उत्साह तो देखिए ना, ये लोग हैं उत्साह में।